पैदल चलना यह वजन घटाने का, स्वस्थ रहने का आसान, पावरफुल और बिना पैसे का तरीका है। और ये आप रोज करते हैं ना, तो देखिए आपकी स्थिति शारीरिक और मानसिक ऐसी फिट हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूँ पैदल चलने के लिए। पैदल चलना ये बहुत ही सिंपल, आसान, उतना ही डिफिकल्ट तरीका है। कैसा है कि लोगों को नहीं चलने के बहुत सारे कारण हैं, और चलने के लिए एक ही कारण हो सकता है, और वो है कि भाई मुझे तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है, इसलिए मुझे चलने का है। चलना क्यों है? चलने से क्या होता है कि आपकी कैलोरीज बर्न होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती है, एनर्जी बर्न होती है, और जब एनर्जी बर्न होती है तो नेचुरली आपका वजन कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि चलने से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और वो खाने का कन्वर्शन होता है एनर्जी में। अब यदि वो एनर्जी को हम स्पेंड नहीं करेंगे, उसको खर्चा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो जमा हो जाता है फैट के रूप में। चलते जब है तब आपको, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, और नेचुरली मेटाबॉलिज्म यदि फास्ट हो जाता है तो आपका वजन कम होता जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग हमने देखे कि बहुत सारा खाना खाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता नहीं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कम खाना खाते हैं तभी भी मोटे रहते हैं, क्योंकि उनका मोटापा जो है वो मेटाबॉलिज्म स्लो से होता है। आप चलेंगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो फास्ट होता है चलने का। और तीसरा फायदा जो है वो है आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य एकदम फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। देखो चलने से आपका जो दिल है ना उसके ऊपर बहुत अच्छा असर होता है, दिल बहुत तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है, और उससे सर्कुलेशन पूरे बॉडी का अच्छा हो जाएगा। और जब सर्कुलेशन अच्छा है तो ना कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाएगी, ना आपको कोई हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका चलना जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर चार जो फायदा है वो है आपका मोटापा कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी। आप चलेंगे तो नेचुरली आपको बहुत हल्का लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, क्योंकि जब आपके पास में 80-85 किलो आपका वजन है तो वो वजन आप कैरी करके लेके जा रहे हैं। कल्पना करो कि आपके कंधे के ऊपर एक 25 किलो का वजन रखा हुआ है और आप चल रहे हैं, कितने थक जाओगे। और वही आप 85 किलो का वजन लेकर चल रहे हैं, वही आपका 60 किलो रहेगा, तो देखो कितना फायदा रहेगा, कितना आपको हल्का लगेगा, मोटापा कम हो जाएगा। और मोटापा कम होने का बहुत ही आसान तरीका, मोटापा कम करने का बहुत ही आसान तरीका जो है वो है चलना। नंबर पाँच बहुत ही महत्व का जो है वो है आपका डिप्रेशन कम होता है। क्या होता है कि जब आप चलते हो तो एंडोर्फिन जो है, फील गुड हार्मोन, उसकी मात्रा दिमाग में बहुत अच्छी बढ़ जाती है, डोपामिन लेवल्स बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये जो फील गुड हार्मोन है, जब इनकी मात्रा दिमाग में बढ़ जाती है आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट जो मेरे पास में आते रहते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आपकी गोलियाँ कम करो, घूमने चले जाओ, सुबह घूम लो, बहुत अच्छा आपको लगेगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी कम हो जाएंगी। तो ये है पाँच अलग अलग फायदे जब आप चलते हैं। तो ठीक है, फिर आपने चलना चालू किया, क्या उससे हो जाएगा, क्या चलना कैसे है, लोग पूछते हैं कि भाई चलना कैसे है, मेरे से तो चलना होता ही नहीं है, कैसा करना चाहिए, तो उसके बारे में भी बता रहा हूँ। क्या है कि चलना जो है उसमें आपको यदि आदत नहीं है तो आपने शुरू में आराम आराम से चलना चाहिए, स्लो चलना चाहिए, 60-80 कदम पर मिनट, मतलब आराम आराम से आप चलो। फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और आप मॉडरेट वॉकिंग में जा सकते हैं। इसका मतलब आपको 100 कदम पर मिनट आपको चलने का है, और उसके बाद में फिर और आपकी स्पीड बढ़ाओ, और बाद में 130 कदम, अप्रॉक्सीमेटली 130 कदम आपको पर मिनट चलने का है। ब्रिस्क वॉकिंग है ना, उससे बहुत जल्दी वजन कम हो जाता है, फास्ट वॉकिंग, तो 130 कदम। और फास्ट वॉकिंग मतलब यह है कि आपको 130-140 कदम तक आपको बढ़ाने का है, और उससे क्या होगा, उससे हार्ट बीट जो है वो फास्ट चलेगी, आपका बीपी जो है वो फास्ट ऊपर आते जाएगा, और वो आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखेंगे। इसलिए वो बहुत ही जरूरी है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग धीरे 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 करें। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार 10,000 कदम रोज आपने चलना चाहिए कम से कम, और वो होता है 8 किलोमीटर। तो 10,000 कदम चलना है, इसका मतलब 8 किलोमीटर चलना है। आप जब 1,000 कदम चलते हैं
तो आपका 40 कैलोरी जो है वो बर्न होता है। इसका ही मतलब जब आप 10,000 कदम चलते हैं तो 400 कैलोरीज बर्न हो जाएगा। जितना ज़्यादा चलेंगे उतने ज़्यादा कैलोरीज आपके ख़त्म करेंगे, आपके बर्न होते जाएंगे, आपका वजन कम होता जाएगा। अब ये हो गया वजन के बारे में, चलने के बारे में। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है आपको बता रहा हूँ। आपको शुरू में स्लो चलना है और बाद में धीरे धीरे बढ़ाने का है। आपका ये रूटीन बना लो, आपको आपकी हैबिट बना लो और ये बढ़ती मात्रा में ये आगे आगे स्पीड उसकी बढ़ाते जाओ। आप आपके दोस्त इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हंसी मजाक में आप चलते जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, गप्पे मारेंगे, आपके कम्युनिटी बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा मालूम ही नहीं होगा। यदि आपको कभी अच्छा नहीं लगा, उतना ही तकलीफ होंगी, तो आपको दोस्त कॉल करेंगे और आपको लेके जाएंगे घूमने के लिए। तो एक कम्युनिटी बना दो चलने वालों की, वैसी रहती है हर गांव में, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, नंबर एक आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा। संतुलित आहार इसका मतलब ऐसा है कि आप फल खाते, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स आप खाते हैं, फाइबर की मात्रा आपके खाने में बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एकदम कम, मीठा बंद, फैट मतलब घी बंद। आप पनीर खाते हो बहुत ही अच्छा है, नॉनवेज वाले जो लोग हैं वो अंडा, फिश, चिकन, मटन कुछ भी खा सकते हैं। नंबर दो आपने पानी पीना बहुत जरूरी है, 3 से 4 लीटर रोज पानी पीते हैं तो उससे बहुत फायदा शरीर के स्वास्थ्य को होता है और वजन संतुलित रखता है, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी यदि आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो। नंबर तीन आपको नींद जो है वो रेगुलरली रहना जरूरी है। स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो अलग अलग स्टडीज हुई है उसके अनुसार 6 से 8 घंटे नींद जो है वो जरूरी है। किसको 6 घंटे ठीक है, किसको 8 घंटे ठीक है। आप 8 घंटे से ज़्यादा सोते हो तभी प्रॉब्लम है और 6 घंटे से कम सोते तभी प्रॉब्लम है। 6 से 8 घंटे आपके गरज के अनुसार आपने नींद लेना जरूरी है। नंबर चार जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेरे काफ़ी सारे वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है। तनाव आज के जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा हो चुका है। हमको कुछ भी हो गया तभी तनाव आता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी आ रही है दिमाग के ऊपर, इतने प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस दिमाग में आते जा रहा, सोशल मीडिया स्ट्रेस तैयार करते जा रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम्स है, घर में प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, नौकरी में, धंधे में, जहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स है, कॉम्पिटिशन है, कंपेरिजन है, तनाव आते जा रहा है। हमको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे हम चलने के लिए टाइम निकालते हैं वैसे ही टाइम हम मेडिटेशन के लिए निकालते हैं। 10 मिनट का मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, अपने हॉबी के लिए टाइम निकालो। कुछ भी आपकी हॉबी, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, कुछ भी, तो आप यदि हॉबीज आपकी डेवलप करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसके साथ में पांचवा जो पॉइंट है वो है जीवन शैली आपकी अच्छी करना। जीवन शैली का मतलब क्या होता है कि एक लाइफ स्टाइल ऐसी होना चाहिए कि बैलेंस्ड है। मतलब आप परिवार के तरफ भी ध्यान दे रहे हो, काम के तरफ भी ध्यान दे रहे हो, शरीर के तरफ भी है, मन के तरफ भी ध्यान है, सब तरह आपका ध्यान है, बैलेंस लाइफ है। स्पिरिचुअल जो आपका लाइफ है उसके तरफ भी ध्यान दे रहे हो, आपका डायबिटीज कंट्रोल में। लोग क्या इतने बेफिक्र हो जाते हैं, बोलते कि डायबिटीज तो है मैंने अभी पिछले 1 साल में चेक ही नहीं किया, बोलते हैं लोग डायबिटीज है तो। रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा ब्लड शुगर कितनी है तो। नहीं, मैं अभी आयुर्वेदिक मात्रा ले रहा हूँ, मैं एलोपैथी ले रहा हूँ, मैंने वो बराबर होगा, मैंने चेक ही नहीं किया, मेरे को डर लगता है चेक करना, ऐसा बोलते हैं। तो रेगुलर चेक करना है। बीपी आपको है तो उसका जो है वो रेगुलरली बीपी चेक करो, उसकी दवाई ले लो। शराब पीना, स्मोकिंग करना, ये सब आप यदि टालते हैं तो डेफिनेटली आप फिट रहेंगे। लेट खाना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लेट अब आप खाते हो तो नींद आपकी बराबर होती नहीं है और फिर सुबह आप उठते नहीं हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, नहीं जाने के आपको 50 कारण मिलेंगे सुबह उठ के नहीं जाना, 50 कारण। लेट सोया, रात को नींद बराबर हुई नहीं, दिन भर तो बहुत काम करना है, थोड़ा ज़्यादा सोना पड़ेगा, ऐसे काफ़ी सारे कारण होंगे कि जिसके वजह से आप बोलेंगे अभी मैं उठता नहीं और जाता नहीं हूँ। जाने के लिए आपको एक ही कारण होगा कि नहीं, मुझे बहुत फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, लॉन्ग लाइफ जीना है और उसके लिए मुझे चलना है। आपको सुबह चलना नहीं होता तो रात को चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फैमिली के साथ में जाओ, उनको इन्वॉल्व करो और ये सब आप करते तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर वर्थ इट। आप बहुत, आपकी लाइफ बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो। आपके वीडियो अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और आसान तरीका है बिना पैसे का है आपकी लाइफ सुधरने का। थैंक यू वेरी मच।